तो लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, ऐसे में भाजपा हर एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी के तहत आज बलरामपुर जिले में भी विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के साथ सरगुजा के पूर्व सांसद कमल भान सिंह भी शामिल हुए और कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि अब की बार 400 पार के स्लोगन को लेकर भाजपा के हर एक बूथ पर स्तर पर मजबूती पूर्वक काम कर चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। साथ ही कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही जल्द मांग पूरी की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी, कांग्रेस का सफाया करेगी, एक भी सीट पर कांग्रेस हमारा सामना नहीं कर सकेगा। सिर्फ पदाधिकारी नहीं बल्कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों के मन में ये बात है कि मोदी जी का जो गारंटी है उस पर सारे लोगों को भरोसा है और मोदी जी के गारंटी को ध्यान में रखते हुए सब 7 तारीख को जब वोटिंग करेंगे तो पूरा कमल ही कमल निकलेगा, ऐसा सभी लोगों के मन में है। किन मुद्दों पे इस बार मोदी जी का गारंटी और उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से राजनीति और चुनाव में हर बात चुनौतीपूर्ण रहती है। पिछले बार भी 303 सीटें हमने पाई, लगातार लंबे 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बोलते थे कि कभी ये सरकार नहीं बना पाएंगे, 15 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। हम लोगों ने, लेकिन हमारे नेताओं ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था कि छत्तीसगढ़ को संवारने का, इसी छत्तीसगढ़ में 54 सीट पाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के अभी माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनाया। तो मुझे पूरा